अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन नान। चिकन नान दो पार्ट्स में बनेगा। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून दही, 3 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 4 टेबलस्पून्स मिल्क, 1 कप और पानी जितना ज़रूरत हो। सबसे पहले एक बाउल में हम लोग अपना मैदा डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करें बेकिंग पाउडर। एक सेपरेट बाउल में हम 2 टेबलस्पून दूध लेंगे और उसको गर्म करेंगे। वार्म मिल्क में हम अपनी यीस्ट को डाल के मिक्स करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। अब हम अपने मैदे में डाल रहे हैं दही। दही डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। और फिर से इसको कर लिया मिक्स। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मिल्क और यीस्ट का जो लिक्विड था वो ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वार्म मिल्क। दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए। पहले मैंने आधा ऐड किया, उसके बाद मैंने गूंदना शुरू किया और फिर मैं दोबारा से बाकी का जो हमारा मिल्क है वो ऐड करूँगी। अब हमने इसको एक सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। इसमें मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया और पानी भी मेरा नीम गर्म था, ठंडा पानी नहीं लिया मैंने, नीम गर्म पानी लिया है। ये एक सॉफ्ट सा मेरा आटा गूंदा गया है। अब मैं एक बड़े बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसमें जो मेरा गूंदा हुआ आटा है हमारा नान का, वो हम इसमें रख देंगे और इसको कवर करके हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। अपनी इस डो के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब हम बनाएंगे चिकन का मिक्सचर। चिकन के मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। ये 6 ब्रेस्ट पीसेस हैं, तकरीबन 1/2 किलो चिकन है जिसको मैंने क्यूब्स में काट दिया है। प्याज लिया है मैंने, 2 छोटे प्याज लिए हैं, उनको चॉप किया है। 1 छोटी शिमला मिर्च चॉप कर देनी है और 1 मीडियम साइज टोमेटो लिया है, उसको भी चॉप कर दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जिंजर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक मतलब हल्दी और रेड चिली फ्लेक्स। आप इसमें मसाले जितना आपको जैसे पसंद है उस हिसाब से मिर्चें रख सकते हैं और नमक भी ऐड करना है इसमें। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून।
और उसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज, जो प्याज हमने चॉप किए हुए थे। इन चॉप्ड प्याज को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है, जब तक ये नरम हो जाते हैं और इनका कलर चेंज होगा। जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे थोड़ा पकाएंगे, फ्राई करेंगे। और फिर हमने इसमें ऐड किया अपना चिकन। अब हमने चिकन का कलर चेंज होने तक इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। पाँच मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। जिंजर पाउडर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर तकरीबन 3/4 टीस्पून है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर, और नमक। इसको फिर हमने भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, अब मैंने ऊपर से ऐड की हैं चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। अब हमें इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चाहिए। नान की बेकिंग के लिए सबसे पहले हम बेकिंग पैन लेंगे। उस पर मैंने अपने बेकिंग पैन पे फॉइल लगा लिया है, और फॉइल लगाने के बाद अब मैं उस पे ऑयल अप्लाई करूँगी ताकि मेरा नान चिपके ना। ओवन को 180 डिग्रीज पर प्रीहीट करने के लिए रख देंगे, जो हमने आटा गूंदा था उसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं मैंने। अब मैं इसको बेलूंगी। इसकी एक रोटी बना देंगे हम।
अब इसे हाथ से हमने यूं प्रेस कर दिया है। जैसे नान को प्रेस करते हैं वैसे ही हमने इसे प्रेस कर दिया। अब मैं इसे अपने बेकिंग पैन के ऊपर रख दूंगी। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी अपना चिकन का मिक्सचर, जो हमने चिकन का सालन बना के रखा था वो अब मैं इस नान के ऊपर रखूंगी। आप चाहें तो चिकन के साथ साथ ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। एक दूसरी रोटी बनाऊंगी और उसको अब मैंने अपनी नाइफ़ के ऊपर मैदा लगाती गई हूँ बार बार, और इसको मैंने यूँ छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं। मैदा आपको लगाना पड़ेगा अपनी नाइफ़ के ऊपर वरना रोटी के साथ चिपकेगा। यूँ कट्स लगाकर आप देख सकते हैं ये हमारे नान के ऊपर ये होल आएंगे। उसको दूसरी चिकन वाले उस नान के ऊपर हमने रखा और इसको साइडों से फोल्ड कर दिया। जो होल्स हैं उनको थोड़ा सा खोल लेंगे। एक बाउल में एक अंडा लिया है मैंने और उसके अंदर एक टेबलस्पून मैंने डाला है दूध। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप ब्रश की हेल्प से इसे अपने नान के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे सेसमी सीड्स। मैंने यहाँ पे ब्लैक सेसमी सीड्स यूज़ किए हैं, आप चाहें तो वाइट सेसमी सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ नीचे वाला जो स्टोव है उसको ऑन किया है, ऊपर वाला नहीं किया। 15 मिनट इसको बेक करना है। 15 मिनट बेक करने के बाद मैं नीचे वाला चूल्हा बंद कर दूंगी और उसके बाद सिर्फ ऊपर कलर देने के लिए मैं ऊपर वाला जो मेरे ओवन में ऊपर वाला अलग से ऑन होता है, दोनों एक साथ नहीं ऑन होते, तो ऊपर वाला अब मैंने ऑन किया है। सिर्फ इसको कलर देने के लिए मैंने पकाया है। 2 से 3 मिनट में अच्छा सा ऐसा गोल्डन कलर आ जाता है नान का। बाहर निकालने के बाद आप गरम गरम नान के ऊपर ही घी लगा लेंगे। इसे कट करके आप चाहें तो किसी चटनी के साथ खाएं या बग़ैर किसी चटनी के भी खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।